ये एसी, ये फैन, यहाँ का फैन, यहाँ का एसी। मैं सब पूरा साफ कर दी हूँ, खाली पानी सूख रहे हैं। दोस्तों अभी यहाँ का पंखा साफ कर रहे हैं। सबसे पहले छत में होएगा, सीलिंग में कूल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों ने हमारे नए घर की शिफ्टिंग वीडियो और उसके बाद एक वीडियो पूरी सेटिंग करने की वीडियो डाली, उसको आपने देखी है जितने ना देखी हो, सेटिंग दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लो। लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह अभी हमारे घर में काम होने वाले खत्म नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह हम लोग अपने पुराने वाले घर में आ गए फिर से, क्योंकि अभी ये घर पूरा देखो गंदा पड़ा हुआ है। सामान तो कुछ भी नहीं है, सामान सब चला गया है, लेकिन पूरा कचरा है, गंदगी है। तो ऊपर तो हमने कल साफ कर दिया था, अभी घर में भी पूरा गंदा है, तो इसको पूरा अच्छे से धुलेंगे हम लोग। धुल के उसके बाद इसमें पेंट भी करा के देना है, क्योंकि यहाँ का रूल कैसा है कि अगर हमको नया घर मिलता है पेंट कराया हुआ, मतलब जो ऑनर होते हैं पेंट करा के देते हैं, तो फिर खाली करने के लिए हमको पेंट करा के देना होता है। जिनका घर है उन्होंने जब रूम लिया था तो बिल्डर ने पेंट करा के दिया था, तो पेंट किया हुआ था, तो इसको हमको पेंट करा के पूरा देना पड़ेगा। तो अभी हमने पेंटर को बुलाया है, वो भी आने वाला है, उससे पहले हम पूरा घर की धुलाई करेंगे। और हमारी वैसे आदत है, हम आज तक जितने भी लड़के घर में रहे हैं खाली करने के लिए हमेशा, मतलब कोई रूम वाले हमको बोले नहीं, लेकिन हम खुद हमको खुद से ऐसा लगता है कि हाँ भाई इतने साल हम इतने महीने हम यहाँ रहे हैं, तो साफ सफाई करके देना चाहिए। और बहुत से रूम हम लोग गए ना तो हमको हमेशा गंदा ही मिला है, क्योंकि इससे पहले हम जो रूम में थे वो भी गंदा मिला था, पूरा गंदा मिला था, और जो पहले वाले रूम में थे वो भी गंदा मिला था, कोई साफ करके देता नहीं। लेकिन हम लोग अच्छा नहीं लगता यार किसी के घर में रहो इतने दिन, तो साफ करके देना चाहिए। तो हम चलेंगे सफाई करते हैं। कूलर क्यों रखा है यहाँ, इसमें नहीं ले गई? हाँ नहीं ले गई क्या? अरे अच्छा है। उससे पहले पानी डालते हैं, पानी डाल के उसको धुलते हैं, एकदम अच्छा साफ होना, मस्त क्लीन चमकना चाहिए। ये एसी, ये फैन, यहाँ का फैन, यहाँ का एसी, ये सब, और एक फैन ये सब हमारे ऑनर का ही है, इसलिए हमको वहाँ नया फैन सब लगाना पड़ेगा नए घर में। यहाँ की एसी तो बिल्डर ने लगा के दिया था, जब हमारे ऑनर ने रूम खरीदा था तो बिल्डर ने, मतलब इस बिल्डिंग में बिल्डर ने सबको एसी लगा के दिया है, और जिस हम नए रूम में गए वहाँ बिल्डर ने किसी को कुछ लगा के नहीं दिया, सिर्फ छोटा सा एक मॉडल किचन बना के दिया, वो भी इतना खास नहीं है, बस बना दिया ही, बाकी बिल्डर ने कुछ नहीं दिया वहाँ। तो वहाँ हमको कुछ कराना है, सब कुछ कराना पड़ेगा। ये जो यहाँ का किचन है इन्होंने ऑनर ने बनवाया था, ये हमारे ऑनर ने अच्छा बनाया था। दोस्तों ये आप मेरे से वाइपर लेकर के, मैं सब पूरा साफ कर दी हूँ, खाली पानी सूत रहे हैं, पूरा गंदा तो मैंने निकाला है, ये देखो। कपड़े साफ करता हूँ मैं, फिर वाइपर मारता हूँ, थक गया मैं, सांस मिलने लगी, क्योंकि मैं दो दिन से कंटिन्यू काम करे जा रहा हूँ। कमरा भी साफ हो गया है और ये भी साफ हो गया है, किचन की तरफ थोड़ा पहले सफाई कर चुके थे, पर थोड़ा सामान वामान निकाल के ले गए तो गंदा था, तो अभी साफ कर रहे हैं वापस से। बस खाली पेंटर का इंतजार है, पेंटर आ जाए तो पेंट करवा के फिर अपने ऑनर को बुला के उनको चाबी उनको दे दिया जाए, फिर इस रूम से हमारा टाटा बाय बाय हो जाएगा। वैसे भी टाटा बाय बाय हो गया है, अल्लाह हाफिज़ हो जाएगा। अच्छा अच्छे से थे यहाँ पे उसे रूम में, अच्छा लगा जितने दिन में थे। तो ये हमारे राजू भाई हैं, ये पेंटर हैं, ये पिछली बार भी हमने रूम वहाँ से खाली किया था यही पेंट किए थे, तो ये आ गए हैं पेंट करने के लिए, तो अब इनको पैसा दे दिया हूँ, अपना पेंट वगैरह ला के अब पेंट स्टार्ट करेंगे। पेंट का देखो सारा सामान आ गया है, पेंट का काम चालू भी हो गया, बेडरूम में पहले देखो मार रहे हैं। पहले जो एक खड्डा वड्डा थोड़ा बहुत हो जाता है ना, सब उसमें लाबी भर रहे हैं, लाबी भर के फिर पेंट रखा हुआ है, तो अपना पेंट होना स्टार्ट हो गया। देखो सबसे पहले छत में होएगा, सीलिंग में पूल है, सीलिंग में होने के बाद से दीवारों में होएगा। रेड वाला है जो अपने रूम वाले को पेंट करा के कर देता है, तो किस किसने लिया है हॉल में छत में देखो हो गया पेंट, अब बेडरूम की छत में मार रहे हैं, पेंट हो ही रहा है हमारी, रुकैया भी आ गई,
चली गई थोड़ा बाहर घूमने के लिए। कहाँ गई थी? नाश्ता पानी करने गई थी। तो हमारा देखो ये हॉल में पेंट हो गया, ये देखो ये पूरा तो क्लीन हो गया, चमकने लगा। दोस्तों अभी यहाँ का पंखा साफ कर रहे हैं ये स्टूल पे खड़े हो करके, क्योंकि ये पंखा ऑनर ने लगा के दिया है। किचन भी ऑनर का ही था ये बना हुआ। बहुत से लोग वीडियो में समझे थे किचन हम लोगों ने बनवाया ना, हम लोगों ने रूम ले लिया, हम लोगों ने किचन बनवाया। बहुत सारे अच्छे होते हैं। अब तो जिस बिल्डिंग में हम लोगों ने रूम लिया उस बिल्डिंग के पूरी बिल्डिंग में पूरा बिल्डर ने बना के दिया, पूरी बिल्डिंग में सबको किचन बना के दे रहा है। दिखाएंगे हम लोग दूसरे का भी किचन दिखाएंगे। तो अभी इन्होंने फैन साफ कर दिया है, फैन, अब ये लाइट साफ कर रहे हैं। हमारे पूरे घर में पेंट हो गया है, सफाई भी हो गई, पेंट हो गया पूरा, सब पोछा लगा रहे आजू भाई साफ कर रहे एकदम बहुत बढ़िया सा बेडरूम में हॉल भी। तो दोस्तों फाइनली हमारे पूरे घर में पेंट हो गया, देखो सब एकदम चमकने लगा, सूख भी गया है ये देखो हॉल में, छत में, बेडरूम में, सब जगह हो गया। और क्लीनिंग भी हो गई पूरे रूम की, सफाई हो गई। ये फ़ोन भी लगा देता हूँ मैं इसमें, हाँ फ़ोन यहाँ लगा दो इंटरकॉम। तो हम अब चलते हैं अपने ऑनर को चाबी लेके आते हैं, उनका रूम के हवाले करते हैं। यहाँ से हमारा कहानी ख़त्म। दोस्तों आज रूम का हमारा लीजा नया रूम का, आप देखो तो इस रूम से भी इस रूम की याद जुड़ी रहेंगी, क्योंकि रूम को बहुत सुकून से अच्छे हैं हम लोग। और हमारे ऑनर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो उनका हमारा काफ़ी अच्छा मतलब जमा, और इन शाला आगे भी जमते रहेगा, उनका हमारा विवाद बना रहेगा। तो हम जाते हैं उनको, उनकी चाबी देखो, उनकी चाबी मेरे पास, इनको देख आते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।